हाय फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? आज हम जा रहा है हावड़ा घर पे। इधर में होगा ना। चलिए, ये तो केवड़िया स्टेशन है, यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। ट्रेन पकड़ने के बाद फिर बड़ौदा जाना है। बड़ौदा जाने के बाद फिर वहाँ से और एक ट्रेन चेंज करना पड़ेगा हावड़ा के लिए। मौसम देखिए, बारिश हो रहा है। आप लोगों को बोला था बारिश में नहीं आना, कहीं भी जगह घूमने के लिए बारिश में सूटेबल नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, ये है एक ठो मशीन जिसमें क्या करता है, जो बोतल होता है उसको ख़राब कर देता है। मतलब आप लोग इधर उधर नहीं फेंक के इसके अंदर डालिए बोतल को, तो आपको दिखाई देगा बोतल कैसे छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। ये मशीन तो अभी ख़राब है, नहीं तो आपको दिखाता था करके। चलिए, अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी से जा रहे हैं हम लोग कलकत्ता। तो कलकत्ता में जाके दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या है नहीं है, वहाँ पे घूम के दिखाएंगे पूरा सब कुछ। चलिए, बीच बीच में हम आएंगे लाइव में दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए, ट्रेन छोड़ने का टाइम हो गया है, अभी चलते हैं। ओके। ओहो माय ग्लोइंग, यहाँ का नज़ारा देखिए। ओहो वहाँ पे देखिए, मेरे को लग रहा है कोई रिवर है। चलिए, आगे बढ़ने से ही पता चलेगा। वो देखिए भाई साहब, क्या सुंदर है। देखिए ये, देखिए ये रिवर का तो पानी जा रहा है। वो देखिए वाटरफॉल टाइप का बना हुआ है। ओ माय गॉड, आप लोग भी आइएगा तो ऐसे ही थोड़ा शाम शाम निकल जाइएगा तो ये सब नज़ारा देखने में मिलेगा, नहीं तो आप लोगों को ये नज़ारा नहीं मिलेगा। देखिए बहुत अच्छा व्यू है। तो मैं सोच नहीं देख रहा हूँ जब, और हमारा दोस्त लोग भी नहीं देखेगा, इसलिए हम वीडियो शूट कर लिया इसको आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरा ख्याल से आप लोगों को अच्छा लग रहा है। कब टाइम गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ट्रेन में तो शायद आवाज़ थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। ट्रेन में साइड से भी आवाज़ आएगा, ट्रेन का भी आवाज़ आएगा। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, मतलब केवड़िया से बड़ौदा। बड़ौदा से फिर ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, ट्रेन चेंज करके वहाँ से हावड़ा। चलिए, जाने के रास्ते में हम जो अच्छा अच्छा व्यू आएगा खिड़की से, ये देखिए ये खिड़की से जो अच्छा अच्छा व्यू आएगा, हम पूरा व्यू आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। अभी तो बारिश का मौसम है तो इसलिए इतना हरा भरा दिख रहा है। आप लोगों को शायद दिखाया है, और भी आगे जितना जाएंगे उतना दिखाएंगे। चलिए, आगे एक पहाड़ आ रहा है, उसको हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए सामने एक पहाड़ आ रहा है, पहाड़ का ऊपर एक पैलेस है, कितना अच्छा। देखिए ये बहुत अच्छा है नज़ारा यहाँ का, बारिश का मौसम है बोल के और भी अच्छा हो गया है, पूरा हरा भरा दिख रहा है। जितना हो सके अच्छा अच्छा जो नज़ारा है हम सब दिखाएंगे आप लोगों को। ट्रेन बहुत तेज़ चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है हवा हाथ में, तो फोन गिरने का डर है, इसलिए हाथ को थोड़ा अंदर घुसा लिया है हमने। देखिए आप लोग, ये देखिए कितना अच्छा पहाड़ है। आगे में देखिए ये वाला जो पहाड़ है, इसमें देखिए मंदिर है। अभी तो ये ट्रेन धाबुई रेलवे स्टेशन तक आ गया है। चलिए, आप लोगों को दिखाता हूँ धाबुई रेलवे स्टेशन कैसा है। हम तो आने का टाइम देखा था इसको, ये रेलवे स्टेशन को। वीडियो अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, और देखते देखते चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ऐसे वीडियो मिलने के लिए आपको देखने का भी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं धाबुई रेलवे स्टेशन। ये जो रेलवे स्टेशन देख रहा है आप लोग, ये इतना बड़ा नहीं था। अभी ये स्टैचू ऑफ यूनिटी होने के बाद ही ये सब रेलवे स्टेशन इतना बड़ा हुआ है। ये देखिए, ये धाबुई रेलवे स्टेशन में आ गया है हम लोग केवड़िया से धाबुई। ये धाबुई आने के बाद ये ट्रेन फिर उल्टा चलना शुरू करते हैं। ये ट्रेन फिर अभी पीछे जाएगा, उल्टा चलेगा। यहाँ पे भी देखिए
बहुत सारा गेस्ट रूम है, आप लोग आइएगा तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं, और नहीं तो केवड़िया में भी है, वहाँ पे भी रुक सकते हैं। कितने का है समोसा? 20 रुपये प्लेट है, 20 रुपये दोनों 1 प्लेट। हम लोग आ गया है अभी केवड़िया से, केवड़िया से बड़ौदा रेलवे स्टेशन पे आ गया है, अभी बैठा हूँ। हमारा ट्रेन है 7:20 पे, तो अभी यहाँ पे बैठा रहना पड़ेगा बहुत टाइम तक। अभी यहाँ पे मास्क लगा लिया, नहीं लगाने से फाइन करेगा, इसलिए मास्क लगाना पड़ा। चलिए थोड़ा कुछ खा लेंगे, अभी तो ट्रेन में समोसा खाया था, तो यहाँ पर देखता हूँ कुछ खाना मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। अभी तो बड़ौदा रेलवे स्टेशन पे है, अभी देखिए कितना लगेज है हमारे, ये एक बैग है और ये है और एक तो छोटा खाने का बैग है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे तेल वाला चीज़ ही तो ज़्यादा मिल रहा है, आगे क्या है नहीं है देखते हैं। ये देखिए बड़ौदा रेलवे स्टेशन, हम ट्रेन से आया है इसलिए अंदर ही हो गया है, इधर से फिर ट्रेन पकड़ेंगे। ये देखिए बाजू में गाड़ी खड़ा है, बहुत बड़ा है रेलवे स्टेशन, लेकिन हावड़ा तो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। चलिए यहाँ पे कुछ मिलता है तो देखते हैं। चलिए दुकान है यहाँ पे, भैया ये पकौड़ी कितने का है? 20 का प्लेट। और ये 100 ग्राम पकौड़ा, 125 ग्राम पकौड़ा है। अच्छा अच्छा 30 रुपये प्लेट वड़ा पाव सब 30 है। अच्छा एक प्लेट दीजिए। देखिए ये भैया का दुकान है, बहुत बड़ा है दुकान, मतलब स्टेशन में इतना बड़ा दुकान मतलब बहुत ही बड़ा है। ये पूरी कितने का प्लेट है? पूरी अच्छा, कोई सब सेम रेट है, सेम रेट यहाँ पे 20-30 रुपये का नाश्ता आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। ये देखिए बड़ा पाव दिया है, 30 रुपया प्लेट लिया है बड़ा पाव, 2 पाव है तो बड़ा है, पाव भी सॉफ्ट है। अभी स्टेशन में कैसे होगा वो तो आप लोगों को पता ही है। चलिए इसको अंदर से थोड़ा फाड़ लेते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है खाने में, ऐसे खाया नहीं जा रहा है। इसको छेद बना के ये बड़ा को अंदर घुसाएंगे इसके। ये चलिए 2 हाथ लगाना पड़ेगा, घुसा के फिर दिखाते हैं। ये देखिए इसको तो अंदर घुसा दिया, ये जो सॉस है इसको डाल देता हूँ ऊपर से। चलिए खाने के लिए रेडी। अभी खाने में ठीक लग रहा है, टेस्ट का बात नहीं है, मतलब एक साथ खा जा रहा है, ये जो अलग से बड़ा अलग से पाव। चलिए लगभग तो खाना हो गया, अभी फिर नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। ओके बाय।